हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीओपी, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं ना, कोई पेपर भी तो देते हैं ना हम, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस किसकी, ठीक है, ये परफॉर्मेंस होती है रेफ्रिजरेटर की, ऑफ रेफ्रिजरेटर। आपने चेक करना है कि मेरा रेफ्रिजरेटर कितना काम कर रहा है। तो कोई ना कोई पैटर्न तो होगा ना कि किसका, अब कंपटीशन होगा दो रेफ्रिजरेटर का, या दो पड़ोसियां दोनों चेक करेंगे किसका रेफ्रिजरेशन ज्यादा है, किसकी कंपटीशन है ना, तो रेफ्रिजरेटर किसका ज्यादा अच्छा है। तो आप वो कैसे कंपेयर करोगे, वो करोगे आप सीओपी से, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस से। तो कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है, ये रेशियो होती है किसकी की, रेशियो होती है। रेशियो मतलब क्या है कि ये अनुपात जिसको बोल देते हैं। तो रेशियो किसकी है, हमारे पास है हीट एक्सट्रैक्टेड, हीट कितनी एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन। ये दो चीजों से हम निकाल सकते हैं कि सीओपी हमारे पास कितना है। तो हमारे पास देखो हीट एक्सट्रैक्टेड का क्या मतलब है, फ्रिज है, फ्रिज के अंदर हीट है, हीट का मतलब सब्जियां रखी हुई है, दूध रखा है, बहुत सारी हीट होती है ना उसके अंदर। तो कितनी हीट आपने एक्सट्रैक्ट कर दी वहां से, खींच ली, वहां से हीट खींच ली, क्यों, और वर्क डन किया, वर्क डन किसने किया, ये एक खर्चा करने वाला जो साधन है वो सबसे बड़ा खर्चा वो इसका ही है। कौन कर रहा है वर्क डन, कंप्रेसर, कंप्रेसर में वर्क डन हो रहा है ना, तो ये जो कंप्रेसर है वो वर्क डन कर रहा है, उसको वर्क डन जो हो रहा है और हीट जितनी एक्सट्रैक्ट हो रही है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। और इस तरह से जो हमारे पास वैल्यू निकलती है उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल सीओपी। ये एक्चुअल नहीं है, इसको हम थ्योरेटिकल सीओपी कहेंगे, ये आपने याद रखना, थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं होती। तो थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस है सीओपी है, उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन। तो इस तरह से आप सीओपी को समझ सकते हैं।